डोडा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बल लगातार इस तरह की कार्रवाई में जुटे हुए हैं और एक बार फिर से सुरक्षा बलों को एक सफलता हाथ लगी है और इस बार डोडा इलाके में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो डोडा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ 3 आतंकी ढेर हुए हैं बल्कि इस बार जो हथियार बरामद किए गए हैं इन आतंकवादियों के पास से, वो बहुत ही खतरनाक हथियार है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी हथियारों की तस्वीर है। अमेरिकी हथियार बरामद किए गए हैं। रजत वोहरा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जरा विस्तार से बताइए किस तरह से ये कार्रवाई हुई और क्या क्या बरामद हुआ है। जी बिल्कुल राम, एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज गंदो इलाके में मिली है, जहां पर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां पर ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि तीनों आतंकी जो है, बताया ऐसा जा रहा सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और इनके हवाले से 1 M4 कार्बाइन और 2 AK-47 अभी तक बरामद हुए हैं। हालांकि अभी भी लगातार तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर 13 जून को एक बड़ा आतंकी हमला यहाँ पर किया गया था, जिसमें एक SOG जवान जो है वो भी यहाँ गायब हुआ था। और उसके बाद से लेकर तेजी से यहाँ पर सुरक्षा बलों ने दिनों रात ऑपरेशन चलाया और उसी का नतीजा है कि इन आतंकियों को आज तड़के जो है वो सुबह घेरा गया। और उसके बाद से लेकर 1 आतंकी को इनिशियल फायरिंग में मार गिराया गया था, हालांकि 2 आतंकी ढोक में यहाँ पर छुपे हुए थे, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने एक लंबी चढ़ी मुठभेड़ में यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। और अभी भी पूरे इलाके को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है कि कहीं तीसरा और आतंकी ना हो और कहीं इनके जो आतंकियों की जो हाइड आउट है इसमें कुछ और सामान ना हो। बिल्कुल, और जो वेपन बरामद हुए हैं, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो कितने खतरनाक हैं, क्या डिटेल्स हैं उनकी रजत? जी बिल्कुल राम, एक M4 कार्बाइन राइफल जो है वो यहाँ से बरामद हुई है और इसके अलावा 2 AK-47 की बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो यहाँ पर बरामद हुए। M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल जो है, आपको बता दें कि हाल ही में जो सुरनकोट में आतंकी हमला हुआ था उसमें भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रजत वोरा आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। तो 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, अमेरिकी हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 राइफल बरामद हुई है और इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है सुरक्षा बलों के लिए।